अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज में आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। SVC केबल नेट प्राइवेट लिमिटेड, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपके लिए लाए है सुपर फास्ट इंटरनेट सर्विस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, कॉर्पोरेट एंड रेसिडेंशियल प्लान विद जीरो डाउन टाइम। आज ही संपर्क करें SVC केबल नेट प्राइवेट लिमिटेड। भिवंडी के सभी फेरी वालों को शासन की तरफ से कोविड वैक्सीन लगाने का आदेश जारी हुआ है, जिसके अंतर्गत भिवंडी कॉर्पोरेशन ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर हेल्थ स्टोर रूम में 11 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कोविड वैक्सीन फेरी वालों को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगाई जा रही है। भिवंडी की स्कॉलर्स इंग्लिश स्कूल की प्रिंसिपल ने मुस्लिम टीचर्स को हेड स्काफ निकाल कर स्कूल में पढ़ाने को कहा, जिस पर टीचर्स ने विरोध किया तो स्कूल छोड़ने की मिली चेतावनी। वहीं मुस्लिम टीचर्स ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो अपलोड कर भिवंडी वालों से मदद की गुहार लगाई है। स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि हमारा स्कूल कोई माइनॉरिटी स्कूल नहीं है, सभी टीचर्स को एक जैसा दिखना चाहिए। भिवंडी के MLA रईस शेख का 14 दिसंबर को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया था, जहां MLA साहब ने बताया कि उन्होंने टोरेंट पावर के मुद्दों पर और IGM के मुद्दों पर हेल्थ मिनिस्टर से मुलाकात की। वहीं भिवंडी NCP के जिला अध्यक्ष शोएब गुड्डू खान ने आरोप लगाया है कि रईस शेख को उस मीटिंग में बुलाया ही नहीं गया था, वो सिर्फ फोटो खींच कर चला रहे हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में फर्जी कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनाने वाले एक गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। ये गिरोह नॉन वैक्सीनेटेड लोगों को 200 से 500 रुपए में वैक्सीनेटेड होने की सर्टिफिकेट मुहैया कराता था। फिलहाल पुलिस ने इस गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं और लोगों की तलाश जारी है। महाराष्ट्र के थाने से अपने परिवार के साथ पालघर जा रही एक 15 साल की बच्ची गलत बस में चढ़ने की वजह से पहुंची जलगांव, जहां घबराई और डरी हुई बच्ची को देख स्थानीय लोगों ने उससे उसकी पूरी जानकारी ली और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और कुछ NGO संगठनों की मदद से बच्ची को 4 दिन बाद सही सलामत उसके माता पिता तक पहुँचाया गया। देश भर में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फैल रहा है तेजी से। वहीं पूरे देश में ओमिक्रॉन के एक्टिव केसेस पहुंचे 101 तक, जिसमें से महाराष्ट्र में 32, दिल्ली में 22, राजस्थान में 17, कर्नाटका में 8, तेलंगाना में 8, केरला में 5, गुजरात में 5, आंध्र प्रदेश में 1, तमिलनाडु में 1, चंडीगढ़ में 1 और पश्चिम बंगाल में 1 ओमिक्रॉन मामला सामने आया है। एक बार फिर सरकार ने बढ़ाया CNG और PNG के दाम, जो कि आज रात से होंगे लागू। CNG पे 2 रुपए पर KG और PNG पे 1.5 रुपए पर यूनिट बढ़ाया गया है, जिससे कि CNG की कीमत मुंबई में 63.50 रुपए पर KG होगी और PNG की कीमत 38 रुपए पर यूनिट होगी। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में फोन स्नेचिंग के दौरान एक 23 वर्षीय महिला फंसी आरोपियों के बाइक से, जिसके चलते आरोपी महिला को बाइक से 150 मीटर तक बिना रुके घसीटते रहे। इस दुर्घटना की वीडियो पास ही लगे एक CCTV में हुई रिकॉर्ड। आरोपियों के खिलाफ शालीमार बाग पुलिस स्टेशन में IPC 392-34 के तहत किया गया मामला दर्ज। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने इस वारदात की जाँच के लिए 4 टीमें बनाई है, जो की आरोपियों की छानबीन कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। पुदुचेरी के एक बेकरी की तरफ से नए साल और क्रिसमस के मौके पर बनाया गया महाकवि भारतियार की 1.5 फीट की प्रतिमा। हैरानी की बात यह है कि ये प्रतिमा पूरी तरह से चॉकलेट से बनी हुई है, जिसमें 482 किलो डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल किया गया है। इसे बनाने वाले बेकर ने बताया है कि इस प्रतिमा को बनाने में कुल 106 घंटों की कड़ी मेहनत लगी है। आज सेंसेक्स 889 अंकों की गिरावट के साथ 57,011 पे हुआ बंद। वही निफ्टी 263 अंकों की गिरावट के साथ 16,985 पे हुई बंद। गोल्ड 48,581 पे ट्रेड करते हुए, सिल्वर 61,994 पे और क्रूड ऑयल 5,400 पे ट्रेड करते हुए।